तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक टू के चैप्टर नियोजित विकास प्लान डेवलपमेंट। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा भारत के आर्थिक विकास की परिवर्तनीय प्रकृति, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये टॉपिक इसी साल ऐड हुआ है जो सीबीएसई के सिलेबस में, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना होगा क्योंकि मे पॉसिबल नया टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के आर्थिक विकास की परिवर्तनीय प्रकृति में, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो। भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से विकास कर रही है। इसने विगत 7 दशकों में 7 decades में काफ़ी विकास किया है। भारत की विकास दर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी, मतलब कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आदि में भारत का तीव्र विकास हुआ है। भारत में सेवा क्षेत्र सुविकसित हुआ है और यह विकास प्रक्रिया में अग्रणी क्षेत्र बन गया है। सेवा क्षेत्र मतलब कि थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। भारत विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और आशा की जाती है, होप है कि अपनी मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली, जो हमारा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके बलबूते पर भारत आगामी वर्षों में विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक शक्ति में शामिल हो जाएगा। ये है इंट्रोडक्शन का इंग्लिश कन्वर्जन। तो अब हम आएंगे पॉइंट टू पॉइंट। देश के आर्थिक विकास की परिवर्तनीय प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। बढ़ता हुआ निवेश, भारत में सार्वजनिक हो या निजी, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर, सभी में विभिन्न परियोजनाओं और उद्योगों में, अन्य आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक विनियोग हुआ है, अर्थात पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसंबर 2019 में भारत का कुल स्थिर पूंजी निर्माण 190.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और यह बात, ये जो स्थिर पूंजी निर्माण है, यह बात यह सुनिश्चित करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थायी एवं तीव्र सकारात्मक परिवर्तन या पॉजिटिव चेंज हो रहा है। यह है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बढ़ती राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। देश में व्यापक, बड़े पैमाने पर, यूं कह लो कि एक ब्रॉड या बड़े लेवल पर व्यापक निवेश और पूंजी निर्माण जो अभी हुआ है, उसका परिणाम या रिजल्ट ये निकला है कि भारत की राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, बहुत इम्पोर्टेंट चेंज या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2019 के अनुसार, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखें तो चालू कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP सामान्य प्रति व्यक्ति $2199 प्रक्षेपित किया गया। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बढ़ता कृषि और औद्योगिक उत्पाद। कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों ही क्षेत्र में भारत पॉजिटिव या सकारात्मक वृद्धि कर रहा है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और गेहूं, चावल, दालों, गन्ना, कपास जैसी फसलों के उत्पादन में उच्च उत्पादकों में शामिल भारत हो चुका है। इन सभी फसलों में, गेहूँ, चावल, दाल, गन्ना, कपास इत्यादि की फसलें, अगर विश्व स्तर पर देखें तो इन सभी फसलों में भारत एक हाई प्रोडक्टिव कंट्री में आता है, उच्च उत्पादक देशों में आता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला देश है और फल और सब्जियों का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का भारत बन चुका है। भारत में कृषि क्षेत्र का विकास तीव्र गति से जो हुआ है, उसके कुछ कारण हैं। तीव्र गति से कृषि विकास के कारण में आता है उन्नत बीजों की उपलब्धता, हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता या अवेलेबिलिटी, कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई साधनों का विकास या डेवलपमेंट इत्यादि शामिल है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारत में एग्रीकल्चर या यूं कह लो कि कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त विकास हुआ है। भारत औद्योगिक क्षेत्र में भी निश्चित रूप से बेहतर निष्पादन कर रहा है। देखो, अगर कृषि क्षेत्र में किसी की ज़बरदस्त तरक्की होती है तो उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही मिलता है, तो इसी कारण जहाँ जहाँ ज़्यादा कृषि से कच्चा माल होगा तो उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। और इसी कारण भारत में औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण
और बढ़िया चेंजेस हो रहे हैं। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अगर फरवरी 2020 में देखें तो 4.5% 4.5% आंकी गई। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय में ढांचागत परिवर्तन। भारत की राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास की आशा की जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र की भागीदारी घट रही है, और द्वितीय क्षेत्र मतलब कि इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र, तो इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बता दूँ, जितना ज़्यादा तृतीय क्षेत्र सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर या यूँ कह लो कि तृतीय क्षेत्र का योगदान जिस अर्थव्यवस्था में जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा देश विकास की रफ्तार पकड़ेगा। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ही देश को बड़ी तेज़ी के साथ आगे ले जाते हैं, और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ना एक देश के लिए अच्छा फैक्टर या कारक माना जाता है। सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि, सेवा क्षेत्र में आते हैं वित्तीय वास्तविक संपदा, पेशेवर सेवाएं, होटल, परिवहन, संचार आदि को शामिल किया जाता है। और अगर वर्तमान में प्रेजेंट में इस क्षेत्र की देश की अर्थव्यवस्था में योगदान को देखो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाने लगा है। अगर जैसे जैसे ये सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का योगदान कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सुदृढ़ होता आधारभूत ढांचा। देश के तीर विकास को सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए उचित आधारभूत ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। देश में ऊर्जा का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, रेलवे, सड़क परिवहन सुविधाओं का जाल बिछा है, सिंचाई, दूरसंचार, चिकित्सा सुविधा इत्यादि जैसी बुनियादी जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको सुधारा गया है। देश के शिक्षा मतलब ये मान लो कि एजुकेशन एक तरह से भारत में बहुत बड़ा कारक या फैक्टर बना है देश को ऊपर उठाने के लिए, तो शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार हुआ है देश में, और ये सभी घटक या फैक्टर्स मिलकर देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। व्यापार का परिवर्तित होता संगठन। देखो मैं आपको ये पॉइंट शुरू होने से पहले बता दूं, व्यापार के अंदर दो मेन चीज़ें आएंगी, आयात और निर्यात। हम क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं। अगर हम खरीदेंगे कम और बेचेंगे ज़्यादा तो भारत के जो व्यापार का घाटा है या यूँ कह लो कि व्यापार का संतुलन है वो बहुत अच्छा भारत के पक्ष में रहेगा और व्यापार घाटा ना के बराबर होगा। तो विदेशी व्यापार पहले हमारा घाटे में होता था, हम खरीदते ज़्यादा थे बेचते कम थे, लेकिन अब ये संगठन चेंज हो रहा है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत परंपरागत कृषि आधारित मदों से हटकर, पहले भारत का ज़्यादातर पैसा आयात या खरीदने में लगता था, क्या खाद्यान्न जो पुरानी कृषि की फसलें वगैरह हैं, वो परंपरागत कृषि की मद है उनको खरीदते थे हम, लेकिन अब वो ढांचा टूटने लगा है। अब हम परंपरागत कृषि मदों को नहीं खरीदते, उनसे हटकर बल्कि अब उल्टा हम निर्यात पर आ गए हैं। कई औद्योगिक वस्तुओं का हम निर्यात करने लगे हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, रत्न आभूषण, मशीनरी, दवाएँ, प्रौद्योगिक वस्तुएँ इत्यादि का भारत निर्माण भी कर रहा है और इनको एक्सपोर्ट और निर्यात भी कर रहा है। भारत के आयातों में उपभोक्ता वस्तुएं, मैंने जो आपको बताया था खाद्यान्न इत्यादियों की मात्रा घटी है, तो ये भारत के जो व्यापार का ढांचा है ये बदल रहा है। अब हम आयात से ज़्यादा निर्यात पर जोर दे रहे हैं और जो पुराना हम खाद्यान्न का आयात कर रहे थे वो लगातार कम हो रहा है और हम गारमेंट्स, रत्न आभूषण, मशीनरी, दवाएँ इत्यादि का निर्माण और एक्सपोर्ट या निर्यात कर रहे हैं। नवीनतम परिवर्तन जो रीसेंट चेंजेस भारतीय अर्थव्यवस्था में आए हैं वो ये है, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश बन गया है। 2019 में लगभग 1300 नए स्टार्टअपों का अनुमान लगाया गया। भारत के निर्यातों में अप्रैल नवंबर 2019 में 1.6 की वृद्धि या 1.6% की वृद्धि हुई। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत इंक्रीजमेंट हुआ है। अधिकांश योगदान सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दूरसंचार, निर्माण, व्यापार और ऑटोमोबाइल में हो रहा है।
भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 से 19 के दौरान 12 मिलियन रोजगार सृजित हुए हैं या इतने एम्प्लॉयमेंट 12 मिलियन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं। भारत विश्व की डूरंग बिजनेस रिपोर्ट को अगर आप देखो तो उसमें 190 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था, उसमें 63rd स्थान या प्लेस पर आ गया है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जो लक्ष्य रखा है, इसकी समाप्ति तक वो रखा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाएगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे विभिन्न कदम या इन सब स्टेप्स के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में अपनी सुविधाएं दे रही हैं। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सकल घरेलू उत्पाद को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्माण इंडिया में ही करें, और इसके तहत सकल घरेलू उत्पाद को 25% तक पहुँचाया जा सके। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है, विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी सुधार हो रहा है और डिजिटल तकनीक में लगातार उन्नति या प्रोग्रेस हो रही है। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के साथ फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरी तरह हो जाता है CBSE का, और अब हम जल्दी ही सेकेंड टर्म की भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।